19 में आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत है। आज मैं आपको रोज ब्रेड बनाने का तरीका बताऊंगी, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें और इसको लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखते हैं रोज ब्रेड के लिए आपको किन अज़ा की ज़रूरत होगी। रोज ब्रेड के लिए आपको डो की जरूरत पड़ेगी, तो डो के लिए मैं आपको क्विक रिव्यू दिखाती हूँ कि डो कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको डो तैयार करने के लिए जो अच्छा है वो बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले क्योंकि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो मैं आटा ज़रा गर्म कर रही हूँ। मैंने 8 कप मैदा लिया है, मैदे को अपने मेहमान से इस तरह जो है बड़े बर्तन में ले लेना है। उसके बाद इसमें हम 1 अदद आटा इस्तेमाल करेंगे, 2 बड़े चम्मच जो टेबल स्पून है मैंने नमक लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने यीस्ट के लिए है, वाटर के साथ गूंदना है। तो ये मैंने पानी जो है हल्का गरम साथ रख लिया पहले। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको गूंदेंगे कैसे। सबसे पहले जो है हम आटे में खुश्क अज्जा डाल लेंगे, नमक, यीस्ट, चीनी आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, मैं ऐसे ही ले रही हूँ क्योंकि जब हम इसको रखेंगे कि ये आटा जो है ये फूल जाए तब तक ये बिल्कुल बीच में मेल्ट हो जाएगी, और आजकल वैसे भी गर्मी है। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे आप। इस जगह पे हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे और इसी जगह पे हम ऑयल मज़ीद बढ़ा दिया, मुझे लग रहा था ऑयल कम है तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और बढ़ाया है, आपकी मर्जी है, देख लीजिएगा क्योंकि ये नरमी जो है ये ऑयल से ही आएगी आटे में। अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे। इसको आपने आराम से गूंदना है और ताकि जो है ना इसमें लम्स ना बने। ये देखेंगे आटा गूंद गया, आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि ये पतला हो गया है। जैसे ही ये फूलना शुरू होगा यीस्ट से, यीस्ट सबको सब कुछ इकट्ठा करके और इसको बड़ी ज़बरदस्त सी एक टेक्सचर दे देगा। तो आजकल गर्मी है तो मैं इसको 30 से 45 मिनट्स के लिए रखूँगी, मगर अगर सर्दियाँ हो तो आप 2 से 2.5 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन गर्म जगह पर रखना है आपने इसको। तो इसको मैं अभी क्लिंग रैप लगाऊंगी ऊपर से और इसको मैं किसी गर्म जगह पे रख दूंगी जहाँ पे ये जल्दी से राइज हो जाए। और एक आपने ख्याल करना है जिस बर्तन में आप इसको राइज होने के लिए रखें वो बर्तन एक तो इसके डबल साइज का हो और दूसरा उसके नीचे आपने ऑयलिंग करके इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना ताकि आटा तो जो जब फूलता है तो ये फट जाता है फिर, तो ऑयल से इसको ये प्रोटेक्शन होती है कि ये फटता नहीं है और बर्तन के साथ चिपकेगा। ये देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया पहले अच्छी तरह। अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अब मैं इसको किसी कपड़े से ढांप के रख दूंगी या क्लिंग रैप लगा दूंगी और इसको गर्म जगह पर 1.5 से 1.25 घंटे के लिए रखूंगी। ये देखें ये डो मैं ले आई हूँ, इसको तकरीबन आप कह लें मैंने 45 मिनट रखा है और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से वो फूल गई है। इसके बाद आपको चिकन की फिलिंग की जरूरत पड़ेगी, उसका भी क्विक रिव्यू मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाएंगे। अब हम इसकी फिलिंग के लिए जो अज्जा चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है, ये चिकन 1/2 किलो का बॉयल करके मैंने हड्डी समेत और मैंने इसके रेशे कर लिए बाद में,
आपने उतार के इसके रेशे कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्याज चाहिए होगी, मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है। हम लोग घर अच्छा सबको पसंद है प्याज अच्छा लगते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिया। इसके बाद आपने नमक जो है वो हस्बे जायका है, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है 1। उसके बाद मैदा इस्तेमाल होगा इसमें, वो मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, ये हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने 1/2 चम्मच लिया है। उसके बाद काली मिर्च जो है ये भी आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, मैं अभी चक के फिर डालूंगी इसको, पर 1/2 चम्मच ठीक रहता है इसका। उसके बाद मैंने हरी मिर्च ली है, ये मैंने 3 बड़ी हरी मिर्च ली है, इनको बारीक बारीक काट लिए ऐसे। उसके बाद आपने इसके अंदर हम धनिया भी डालेंगे, तो धनिया जो है आप देख लें इतना सा आप ले लें काफ़ी होगा। उसके बाद दूध का 1 कप जाएगा इसके अंदर, लेकिन अब देखेंगे जो मटेरियल बनाएंगे अगर ज़्यादा दूध चाहिए होगा तो हम साफ ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम फिलिंग कैसे तैयार करेंगे। अभी कढ़ाई आपने चूल्हे पे रख लेनी है गर्म होने के लिए, इसमें हम तेल इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, इसको आपने सॉटे कर लेना अच्छी तरह से, हम इसको ब्राउन मैंने 1/2 कप और दूध डाला है, आप देख लीजिएगा जितना आपको लगे थोड़ा सा कुछ तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिए। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और फिर ठंडा होने पर हम इसकी फिलिंग जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद हमें कुछ तिल चाहिए होंगे ब्रेड को ऊपर से गार्निश करने के लिए, वो तिल ले लिए हमने, और हमने जो है अंडे की जर्दी इसमें इस्तेमाल होगी, तो ये अंडे की जर्दी हमने 1 अंडे की जर्दी ले ली। अब देखते हैं कि ये रोज ब्रेड कैसे बनाएंगे।
इसको अच्छी तरह कट लगा लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये जो मैंने आपको चिकन का बैटर बनाना सिखाया था ये आप इसमें लगाएंगे। इसके बाद फिर आपने ये वाला जो है ये लगा दिया। अब ये देखें ये मैं ठीक रखती हूँ। ये देखें ये मैंने सारी ब्रेड बना ली है। अब मैं इसके ऊपर मेरे पास मैंने कपड़े का एक क्लॉथ का पीस ले लिया इसके ऊपर ये लगाऊंगी मैं एग। इससे बहुत खूबसूरत कलर आएगा एक गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसमें। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर तेल लगा देंगे इस तरह सारे लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने लगा दिए। आप इसके ऊपर मैं तेल जो है वो लगा दें। अब मैं आपको एक हल्का सा टच इसमें चीज़ का भी दिखाऊंगी तो वो जब ये हल्के से बेक हो रहे होंगे ना फिर हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे तो वो बड़ी मज़े की दिख देगी।
बस ये आखिरी रह गया। अब ये इसको होने देंगे हम। ये बिल्कुल तैयार है, जबरदस्त कलर आया। चीज देखें कैसे ऊज आउट हो रही है माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे, वो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ब्रश नहीं है इसलिए मैंने कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ। चीज देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। ये देखें ये मेरे पास बटर आ गया, मुझे पता नहीं था मौजूद था, तो अब हम बटर जो है ये ऐसे ही लगा लेते हैं। कलर देखें आप कितना खूबसूरत आया है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, मुझे जरूर बताएं आपको कैसी लगी। और चीज का जो टच है वो तो जबरदस्त लग रहा है, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि चीज जो है कपड़ा इस्तेमाल करके क्योंकि मेरी फिंगर के साथ में वो इतना अच्छा बैठ नहीं रहा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आगे बताऊं। और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे तो इसके फैन हैं क्योंकि सफर देख के बच्चे जो हैं वो तो ये ना खा नहीं रहे होते, पी नहीं रहे होते, तो खुश हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई डिश के साथ। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।